WPL 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में RCB ने मुंबई इंडियंस को 5 रनों से हराया। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से होगा सामना। इस तारीख को इतने बजे खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तो क्या एलिमिनेटर मैच की पूरी हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रहे वीडियो अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ली। दोस्तों आज वुमेंस प्रीमियर लीग 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया जो कि बेंगलुरु और MI के बीच खेला गया। इस मुकाबले में RCB ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB की टीम मात्र 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी और मुंबई को जीत के लिए 136 रनों का टारगेट दिया। लेकिन मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर में 130 रन ही बना सकी और बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को 5 रनों से जीतने में कामयाब रही। आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही। स्मृति मंधाना और सोभी डिवाइन मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद एलेक्स पेरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए RCB का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। पेरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्शदी की पारी खेली और 50 गेंद पर सबसे ज्यादा 66 रन बनाई। उन्होंने 8 चौके और 1 शानदार छक्का लगाया। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। उसके बाद 136 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत भी खराब रही और हेली मैथ्यूज 15 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन उसके बाद यष्टिका भाटिया ने नेट लिस्ट और ब्रंट के साथ मिलकर मुंबई के पारी को संभाला और मुंबई का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज भी आउट हो गई। उसके बाद मुंबई को जीत के लिए 50 गेंद पर 70 रनों की जरूरत थी। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, उन्होंने मुंबई की पारी को संभाला और मुंबई का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब मुंबई को 15 बॉल पर 20 रनों की जरूरत थी तो वो भी 17 ओवर में आउट हो गई। उन्होंने 30 गेंद पर 33 रन बनाई। इस प्रकार मुंबई के अन्य कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाई नहीं कर पाया और मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर में 130 रन बना सकी और इस प्रकार एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई को 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा और RCB ने 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है जहां उसका 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल के सामना होगा। आपके अनुसार 17 मार्च को फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।